लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आम आदमी पर हर महीने रसोई गैस सिलेंडर के रूप में पड़ने वाले बोझ को मोदी सरकार ने कम कर दिया है। सरकार ने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए हर महीने एलपीजी सिलेंडर का रेट बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि हर महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाना सरकार की गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के उलट बैठता है। इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी पेट्रोलियम कंपनियों को जून 2016 से एलपीजी सिलेंडर कीमतों में हर महीने ₹4 की बढ़ोतरी का निर्देश दिया था। सरकार के इसके पीछे का मकसद एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को अंततः समाप्त करना था। एक सूत्र ने बताया कि इस आदेश को अक्टूबर में वापस ले लिया गया है। इसी के चलते इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अक्टूबर से एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाए हैं। इससे पहले तक पेट्रोलियम कंपनियों को 1 जुलाई 2016 से हर महीने 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम ₹2 बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने 10 मौकों पर एलपीजी के दाम बढ़ाए थे। प्रत्येक परिवार को एक साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते हैं। इससे अधिक की जरूरत होने पर बाजार मूल्य पर सिलेंडर मिलता है। 30 मई 2017 को एलपीजी कीमतों में मासिक वृद्धि को बढ़ाकर 2 गुना यानी ₹4 कर दिया गया। पेट्रोलियम कंपनियों को 1 जून 2017 से हर महीने एलपीजी कीमतों में ₹4 वृद्धि का अधिकार दिया गया। इस मूल्य वृद्धि का मकसद घरेलू सिलेंडर पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को शून्य पर लाना था। यह काम मार्च 2018 तक किया जाना था।